तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेम गौतम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अपने गेम में यानी फ्री फायर गेम में एक परफेक्ट कस्टम रूम कैसे बना सकते हैं। मैंने परफेक्ट इसलिए बोला क्योंकि बहुत लोग कस्टम बनाते वक्त कुछ गलतियाँ कर लेते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि किसी वीडियो पर, जैसे यूट्यूब पर किसी भी गेम प्ले वीडियो पर आपने देखा होगा कि ऑन वन वर्सेस वन यानी कस्टम खेलते हैं तो अनलिमिटेड ग्लू वॉल लगा पाते, अनलिमिटेड ग्रेनेड फेंक पाते। तो वो लोग एक सेटिंग होता है जिसे ऑन करके रखते हैं, लेकिन आप बहुत लोग बंदे क्या करते हैं कि कस्टम बनाते वक्त वो सेटिंग को ठीक से नहीं करते और वो लोग अनलिमिटेड ग्लू वॉल नहीं लगा पाते, अनलिमिटेड ग्रेनेड नहीं फेंक पाते। तो सब वीडियो का सोल्यूशन में इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। अब उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने फ्री फायर गेम में। तो आपको जाना है कस्टम रूम में, यानी कस्टम रूम जब बनाते हैं तो यहाँ पर क्लिक क्रिएट पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रूम है, गेम है, ऑब्जर्व है, एडवांस सेटिंग है। तो मैं एडवांस सेटिंग छोड़ कर मैं तीनों को बताऊंगा। तो रूम में आपको क्लिक करना है, तो वहाँ पर आप रूम नेम देख सकते हो। रूम नेम आप जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रख दिया। और पासवर्ड आप जो भी रखना चाहते हो, जैसे मैंने पासवर्ड रख दिया। और गेम मोड, आप कौन सा गेम मोड खेलना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर लो। तो मैं करूँगा क्लास स्क्वाड, और आप बरमुडा खेलो या बरमुडा रेयर मस्टार्ड खेलो या कलाहारी खेलो। तो मैंने कलाहारी नहीं है डाउनलोड किया, तो यहाँ पर बरमुडा रेयर मस्टार्ड सिर्फ दिखा रहा है, तो मैं बरमुडा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रीम मोड में आप सोलो रहना चाहते हो यानी वन वर्सेस वन खेलना चाहते हो, या डुओ टू वर्सेस टू, या स्क्वाड फोर वर्सेस फोर। तो मैंने कर लिया यहाँ पर मैंने स्क्वाड कर लिया। अब इसके बाद जाते हैं प्लेयर पर। तो प्लेयर पर से पहले मैं स्पेक्टेटर में जाता हूँ। स्पेक्टेटर यानी क्या होता है कि आप लोग की, जैसे मैंने यहाँ पर स्क्वाड सिलेक्ट किया है तो क्या होगा कि सिर्फ मैं जब टोटल 8 प्लेयर में खेल सकता हूँ, और जैसे मेरे पास 10 प्लेयर है तो क्या करेगा, वो दो खेल नहीं सकते, सिर्फ वो दोनों देख सकते हैं कि हमारे टीममेट क्या करे। एक मैं ओपोनेंट में रख दूंगा और एक मैं अपने आप में टीम में रख लूँगा, जिससे वो लोग खेल नहीं सकते, सिर्फ मुझे देख सकते हैं कि और मुझे एडवाइस दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कहाँ से वो बंदा कहाँ से आ रहा है, वो ऐसा करके वो स्पेक्टेटर होता है। तो स्पेक्टेटर मैंने जितना है उतना ही रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है। तो रूम का सेटिंग खत्म होने के बाद हम आ चुके हैं अपने गेम वाले सेक्शन पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ड्रॉप लिस्ट सबसे पहले। तो आपको क्या करना है कि ड्रॉप लिस्ट में आपको कम्पिटिटिव मोड में ही सिलेक्ट रहने देना है। अब हम चलते हैं अपने राउंड वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर मैंने राउंड पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो 7, 11, 13। तो आप जितना भी ज़्यादा राउंड रखोगे आपको उतना अच्छा लगेगा, तो उतना आप खेल सकोगे। तो मैंने यहाँ पर 13 राउंड कर लिया। एचपी डिफॉल्ट 200 जितना रहता है क्लास स्क्वाड में, जितना ही रखूँगा मैं। और मूवमेंट स्पीड भी आप देख सकते हो 150%, 125%, 200%। तो आप 100% रखोगे, वो भी जैसे क्लास स्क्वाड में होता है वैसे ही रखोगे तो वैसा ही होगा। आप उसके आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर इन्वायरमेंट देख सकते हो, यहाँ पर डे और नाइट। तो यहाँ पर रात में रात की एनवायरनमेंट जैसा खेलना चाहते हो तो नाइट पर कर लेना, और डे की एनवायरनमेंट में जैसा खेलना चाहते हो डे पर रख लेना। अब उसके बाद फॉल डैमेज का मतलब ये होता है कि, जैसे तो आप लोगों को पता ही, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि फॉल डैमेज क्या होता है कि किसी घर पर से आप कूद गए तो आपका कुछ डैमेज पड़ता है, ठीक है। किसी भी मैप में आप जाओ, बरमुडा पर जाओ यानी क्लासिक पर जाओ खेलो, या क्लास स्क्वाड में खेलो, तो वैसा होता ही है। तो अगर नो करोगे तो नहीं होगा, यानी आपका डैमेज नहीं पड़ेगा, छत पर से गिरेगा भी तो। लेकिन आप यस पर करोगे तो आपको जैसे नॉर्मल में होता है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद एयर ड्रॉप व्हीकल्स और एयर स्ट्राइक में क्या होता है कि ये सिर्फ बरमुडा पर रहता है। क्लासिक आप मोड खेलोगे तभी होगा, ये क्लास स्क्वाड में नहीं होता। तो आप जो भी करना चेंजेस भी करोगे, यस यस है तो नो करोगे, नो करोगे नो है तो यस भी करोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड टीममेट निकनेम क्या होता है कि अगर आप लोग अपने टीममेट का नाम हाइड करना चाहते हो तो हाइड यस पर क्लिक कर देना, तो आपका टीममेट का निकनेम हाइड हो जाएगा। और अगर नो करोगे तो आपका टीममेट का निकनेम हाइड नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं राइट साइड की तरफ। तो राइट साइड की तरफ में सबसे पहला ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट कॉइन। तो डिफ़ॉल्ट कॉइन में आप देख सकते हो 500 और 1500। तो आप ज़्यादा कॉइन रखना चाहते हो यानी 1500 रखना चाहते हो, 1500 में मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। और अगर आप 500 ही रखना चाहते हो, जैसे क्लास स्क्वाड में होता है फर्स्ट राउंड में 500 होता है, तो वो आप रख सकते हो। तो मैं 1500 रखूँगा। और ये ईपी है, ये ईपी का मतलब ये होता है कि अगर आप मशरूम लेते हो
तो आपकी कुछ ईपी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब डिफ़ॉल्ट रहता है 0 और 50 और 200। तो आप 0 रखोगे तो आपको मशरूम खरीदना पड़ेगा, और 50 रखोगे तो आपको तब भी खरीदना पड़ेगा, एक मशरूम खरीदना पड़ेगा, और अगर 200 रखोगे तो आपको कोई भी मशरूम खरीदना नहीं पड़ेगा। और जंप हाइट आप देख सकते हो 100 है 200 है 400 है, तो आप डिफ़ॉल्ट रहने दो क्योंकि वही अच्छा लगता है खेलने में, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं लिमिटेड एमओ पर। तो दोस्तों लिमिटेड एमओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस कस्टम रूम बनाते वक्त आपको इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों लिमिटेड एमओ क्या है कि देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर यस सिलेक्ट है, ठीक है। तो अगर लिमिटेड एमओ यस आपने सिलेक्ट किया है तो आपके पास अनलिमिटेड ग्लूवाल सब नहीं रहेगा, ठीक है। अनलिमिटेड ग्लूवाल नहीं रहेगा, अनलिमिटेड ग्रेनेड नहीं रहेगा, और अनलिमिटेड एमओ नहीं रहेगा। आपके पास जितना एमओ है, जितना ग्लूवाल है, जितना ग्रेनेड है, आप उतना ही यूज़ कर सकोगे, ठीक है। और अगर नो पर आपने क्लिक कर दिया तो क्या होगा कि आपके पास अनलिमिटेड ग्लूवाल भी रहेगा, अनलिमिटेड ग्रेनेड भी रहेगा, अनलिमिटेड एमओ भी रहेगा। तो आपको कुछ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ एक ग्लूवाल खरीद लोगे तो आप अनलिमिटेड लगा पाओगे, जितना लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अनलिमिटेड आप अगर एक ग्रेनेड ले लिया तो आपको जितना ग्रेनेड होगा आप यूज कर सकोगे, ठीक है, जितना आपका मन करेगा। तो अब लोड आउट क्या होगा, लोड आउट में कुछ नहीं होता दोस्तों, आप लोड आउट जैसा है वैसा ही रहने दो। और कैरेक्टर स्किल में आपको आना है, ठीक है। कैरेक्टर स्किल में यस रख दोगे तो क्या होगा कि जैसे आपके पास कैली है, ठीक है, कैली है, तो क्या होगा कि कैली का एबिलिटी क्या है कि 3% वो आपका स्प्रिंटिंग स्पीड इंक्रीज कर देगा। तो आप इसका यस कर दोगे तो आप उसको कैरेक्टर यानी एबिलिटी यूज कर सकोगे, और अगर नो करोगे तो आपका कैरेक्टर स्किल यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर यूएवी आरसी पर फ्रेंडली फायर, अब जो है वही रहने दो, आपको कोई चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम चलते हैं ऑब्जर्व में, तो ऑब्जर्व में भी जो है वही रहना देना, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो है वही रहने देना। और उसके बाद हम चलते हैं एडवांस सेटिंग पर। तो दोस्तों यहाँ पर एडवांस सेटिंग में मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में भी आपको कोई चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जैसा है वैसा ही रहने देना, कुछ चेंजेस नहीं करना। अब हम चलते हैं यहाँ, तो दोस्तों मैंने बता दिया आपका कस्टम रूम बनाते वक्त का सेटिंग, यही सेटिंग का आपको ध्यान रखना है जो मैंने बताया है। आप इस सेटिंग को का ध्यान रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके पास कंफर्म जो नीचे आ रहा है वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने कस्टम रूम जैसे आप नॉर्मल बनाते हो वैसे ही आप अपने टीममेट को इन्वाइट करना और उसके साथ आप खेल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।